Hey guys, what's up? Welcome back to Sam's Presents. I'm Thunder Combo और I am back. हर वीडियो में I am back करते रहता हूँ. क्या करूँ, वीडियो नहीं डाल पाता, टाइम नहीं मिलता. तो गाइस, हाँ तो फाइनली डिंडोरा खत्म हो गया और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कभी डिंडोरा आएगा और कभी मैं उसके वीडियोस देखूंगा. तो चलो आज का रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं. ठीक है, बाय. हाँ तो आखिरकार बहुत पहले से मैं बीबी की वंश देख रहा हूँ और उसमें एक यूट्यूबर है जिनका नाम है बोन बाम. वो अपने हाथ में एक कैमरा पकड़ते हैं और 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. लेकिन अभी उनकी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है डिंडोरा. तो मुझे डिंडोरा देखने में बहुत मजा आया और पहले के कैरेक्टर्स, नए नए जोक्स, नए नए डायलॉग्स, नई पूरी नई स्टोरी और एक फाइनली हैप्पी एंडिंग था. और मैं हर थर्सडे वेट करता था कि कब नया एपिसोड आएगा. एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, 5, 6, 7 और आज फाइनली 8 आया. तो ये रिव्यू वीडियो एक दिन का बाद है क्योंकि आज पूरा दिन मैं बना नहीं पाया. आज मैं स्कूल से 5 बजे घर. जिस स्कूल से, वो JDT हाई स्कूल जो कुरार विलेज मलाड में है. आप तो उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज जाके चेकआउट कीजिए. नीचे आपको उसके सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरी टीचर है जिन्होंने मैथ्स के बहुत क्लेवर ट्रिक्स बताई है जिससे आप अपने मैथ्स में यूज कर सकते हो. तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए. तो बढ़ते हैं हमारे रिव्यू की तरफ. तो ये सीरीज बहुत ही कमाल की थी और सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे. मुझे डायलॉग्स भी बहुत फनी थे. उनके जो दो फ्रेंड है, बंचोर दास और समीर, वो दोनों बेस्ट है. वो दोनों मुझे फेवरेट कैरेक्टर है पूरे जितने भी बोन बाम के कैरेक्टर है उनमें से. और फिर टीटू मामा और फिर उनके जो वो सर है स्कूल के, क्या नाम है उनकी, एक सीरीज है उसके ऊपर से, एंग्री मास्टर जी, बबली सर शायद, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है, बबली सर. फिर होला और जो विलन है इसमें, और कौन सा कैरेक्टर, डिटेक्टिव मंगलू का कैरेक्टर, और कौन से कैरेक्टर थे, बस शायद इतने कैरेक्टर थे और याद आ रहा होगा. हाँ, बंचोर दास के पापा जो दुबई के माफिया, उनका म्यूजिक तो बेस्ट था एकदम. पूरी सीरीज में बेस्ट म्यूजिक था. और सीरीज में पसंद नहीं आई जो है, जो सीरीज है वो लॉटरी से ज्यादा, जो बबलू जी का एक्सीडेंट होता है उसमें लॉटरी जीतने के बाद, उस पर ज्यादा चल जाते हैं. मतलब एपिसोड 2 में एक्सीडेंट होता है और एपिसोड 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ उस पर होता है. फिर 7 और 8 आखिरी के लॉटरी पे. 7th एपिसोड में इमोशंस, मतलब सॉन्ग होते हैं, इमोशनल सॉन्ग. और फिर उसमें पता चलता है कि वो आप स्टोरी देख ही लो. फिर एपिसोड 8 में आप देख ही लो वो भी. तो ऐसा मतलब उसमें से 5 एपिसोड तो सिर्फ बबलू जी के एक्सीडेंट के हुए, कि कैसे हुआ एक्सीडेंट, किसने किया, क्या थी उसकी वजह, मतलब 5 एपिसोड उसमें गए. ये था एक नूब रिव्यू. तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. और मेरी स्कूल की वीडियोज चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको मैच ट्रिक मिलेगी. और यस, मिलते आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.